आज्ञा दीजिए पंडित जी। भाभी श्री, राजकुमारी शोभा हमें इतना स्नेह देती है, इतना कि कभी हमारे मन में विचार नहीं आया कि हम निसंतान हैं, और हम भी उस पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, नियति ने जो लिखा है वो तो अमिट है, पर यदि यदि हमें ऐसे ही जीवन जीना है तो हम जी लेंगे। पूरे भरूच की प्रजा के कान भर दो। ये बात उनके मन में अच्छी तरह बैठ जाए कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। महाराज दद्दा चालुक्य के बाद गजनवी जैसे नृशंस लुटेरे से उन्हें कौन बचाएगा? यदि निसंतान महारानी गायत्री देवी राज्य को एक उत्तराधिकारी भी नहीं दे सकती तो उन्हें महारानी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। अल्लाह खुदा के लिए हमारा हाथ छोड़िए, टूट जाएगा। आप सिर्फ सर कलम करना ही तो जानते हैं। क्या और क्या? आपने नहीं देखा पूरी गजनी अपने शिकस्त खाए हुए सुल्तान का तलवार के खौफ से इस्तकबाल कर रही थी। आपने तो हमसे वादा किया था ना कि हमें सोने का महल तोहफे में देंगे। महल तो दूर, एक रत्ती सोना भी हासिल नहीं हुआ। हम तुम्हारे सर की कसम खाकर कहते हैं कौसर, गजनवी अपने शर्मनाक हार का खौफनाक इंतकाम लेगा। सोमनाथ के हीरे जवाहरात ही नहीं, हिंदुस्तान की सरजमी से उसका सुकून भी छीन लेगा। ऐसी दहशत फैलाऊंगा कि हर हिंदुस्तानी अपनी मौत की भीख मांगेगा। पूरे हिंदुस्तान में तबाही का अंधेरा फैला दूंगा, अंधेरा। राजकुमार, एक लव यू कौन था? हमें नहीं पता और हमें उसकी चिंता भी नहीं, परंतु आपको हमें एक वचन देना होगा जो हम काकाशी से सीखेंगे उसे आपको सीखना होगा, अन्यथा हम भी नहीं सीखेंगे। ठीक है राजकुमार, हम आपको वचन देते हैं। शीघ्र चलिए, आरती आरंभ होने का समय हो रहा है। रुक जाइए महारानी। क्यों, क्या हुआ? क्षमा करें महारानी, आरती आरंभ हो गई है परंतु। परंतु क्या? हटिए, कृपा करके हटिए, हमें आरती में सम्मिलित होना है। क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में संतानहीन स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो सकती। परंतु हर वर्ष हम इस आरती में सम्मिलित अवश्य होती थी, क्योंकि हम सब इस आशा में थे कि आज नहीं तो कल आप माँ बनेंगी। परंतु साधु महाराज के कहे गए शब्द अक्षरशः सत्य हैं, आप कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए भरूच पर विपदाएं आना आरंभ हो गईं। क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में बांझ स्त्री भाग नहीं ले सकती।